ऑटो उद्योग से लेकर टेक्सटाइल मिलों तक आर्थिक मंदी का असर नजर आने लगा है। रोजाना हजारों लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन इसकी वजह क्या है? आर्थिक मामलों के जानकार इसे लंबे वक्त से चले आ रहे ग्रामीण संकट का असर बता रहे हैं। जो गरीब किसान और मजदूर तबका है गांव में, उसके सामने है, क्योंकि वो उनके जो आजीविका के साधन या तो मजदूरी के जरिए या मनरेगा के जरिए जो थे, वो आजीविका के साधन आज उनको उपलब्ध नहीं है। ये दोनों संकट, ये कहीं ना कहीं जिस हम बड़े आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं उससे जुड़ा हुआ है। बीते कई सालों से खेती किसानी संकट के भंवर में उलझी है। किसान फसलों के सही दाम न मिलने से लेकर दूसरी तमाम समस्याओं से घिरे हैं। इन्होंने कई बार सरकार को चेताने की भी कोशिश की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। रही सही कसर 2016 में नोटबंदी जैसे फैसलों ने पूरी कर दी। नकदी के संकट से ग्रामीण इलाकों में न केवल रोजगार घटा, बल्कि वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट आई। इसका असर उद्योग धंधों या कहें कि शहरी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। देखते ही देखते बेरोजगारी की दर 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो मंदी छाई हुई है पिछले 5 सालों में, अब उसका असर शहरी अर्थव्यवस्था पर भी दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत बड़े पैमाने पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है शहरी जो उत्पाद हैं उनका कंज्यूमर है। तो सरकारी कृषि नीति है, ये कृषि नीति हम बराबर कहते हैं किसान विरोधी है, और मोदी सरकार का दूसरे टर्म में ये नीति और ज़्यादा से ज़्यादा किसान को ऊपर भारी पड़ रहा है, और हमारा खेती का संकट और ज़्यादा से ज़्यादा गहरा होगा। अब इससे निपटने के लिए अर्थशास्त्री गांवों, किसानों और मजदूरों पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। मांग का और उनके सीधे सीधे आजीविका का सृजन करना पड़ेगा। वो एक ओर तो अगर अर्थव्यवस्था में एक्टिविटी रिवाइव होती है उससे निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है, मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में हमें रोजगार का सृजन करना होगा। उद्योग और अर्थशास्त्रियों की चिंता के बीच मोदी सरकार मंदी और बेरोजगारी की समस्या को मानने से इनकार करती रही है। किसी भी समस्या को दूर करने की पहली शर्त होती है कि उसे पहचाना जाए और फिर उसका इलाज किया जाए, लेकिन जब सरकार आर्थिक चुनौतियों को सिरे से ही खारिज कर दे तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस समस्या का समाधान निकलेगा कैसे। दिल्ली से कैमरा पर्सन अश्विनी के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस।